बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुबैदा। देसी किचन के साथ भी उसी ये मैदा मैंने छान के ले लिया है। ये 2 कप मैदा है और ये ईस्ट है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। वो साथ ही मैं ऑयल है, ये पानी, ये पिज़्ज़े के लिए मैं आज आटा बनाने लगी हूँ। भी उस पहले मैं इसमें डालूँगी ऑयल। इसे अच्छी तरह हाथों से मलूंगी, अच्छी तरह ऐसे इसे मैं पहले मल के बनाऊंगी, बाद में मेरे से। ये देखें आटा अच्छी तरह हो चुका है। ये देखें आप, मैं ये मूठ बना के आपको दिखाती हूँ कि ये बन चुका है। ये देखें तेल में ऐसा हो चुका है। अब इसमें मैं धीरे धीरे पानी डालूंगी। अब मैं ये ईस्ट वाला पानी इसमें डाल दूंगी। ये थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी। हस्बे जायका नमक। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो गूंथती जाऊंगी। आस्ते आस्ते इसमें पानी डालूंगी। ये दूसरे आटे की तरह ही गूंथना होता है इंसान को। बस ये देखें आटा मैंने गूंद दिया है और इसमें एक जगह इकट्ठा करके आप इसे मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी। जैसे ही रेस्ट इसकी ख़त्म होगी तो फिर चुका है। अब इसे मैं प्लेट में डालने वाली हूँ। प्लेट मैंने पहले से ग्रीस कर दी है, ये प्लेट मैंने पहले से ग्रीस की है। तो अब ये मैं इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाती हूँ। ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर में बनाया है। इससे हमारी लाइट बहुत आज डिम है क्योंकि बिल्कुल ही नज़र कुछ नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल से काम चला रहे हैं। अब मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, ये बहुत हार्ड जैसी हो गई है। अब ऊपर मैं इसके ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा है, अब इसके ऊपर ये मैं प्याज वगैरह, शिमला मिर्च और टमाटर लगाऊंगी। देखें कितनी प्यारी लग रही हैं और पिज़्ज़ा भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बात यही है कि आज लाइट बहुत डिम है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। बस ये सब्ज़ी डल चुकी है। अब इसमें ये मैं चीज़ बनी हुई सब डाल दूँगी। ये बिप्स मैंने बताया नहीं, ये मोज़रेला चीज़ है। ये अमन मेरा फ्री हीट है क्योंकि मैं आज पिज़्ज़ा जो है अमन में बनाऊँगी। आगे मैंने 2 बार पिज़्ज़ा बनाया है पतीले में और आज इसे मैं ओवन में बनाने लगी हूँ। पिज़्ज़ा मैंने ओवन में लगा दिया है। अब इंशाल्लाह इसे मैं 20 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी। कितना अच्छा तैयार हो चुका है, माशाल्लाह खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब मैं ये आपको काट के बताती हूँ। मसला वो ही है, दोबारा कितनी बार बता चुकी हूँ कि आज मसला लाइट का है। तो पिज़्ज़ा मैंने काट दिया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ये मेरा पिज़्ज़ा आपको कैसे लगा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का बटन भी दबाएं। इंशाल्लाह मेरी वीडियो आने वाली आपको टाइम पे मिलेगी। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, खुशहाल रहें, आज़ाद रहें, बाद रहें
और मेरी तरफ से आपको पेश की रमज़ान मुबारक, और मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।